बेंगलुरु, एक आदमी ने फ्लाईओवर से मुट्ठी भर नोट नीचे सड़क पर फेंके। इस घटना के वीडियो जो अब वायरल हो गए हैं, केयर मार्केट फ्लाईओवर के ऊपर खड़े व्यक्ति को नोट फेंकते हुए देखा जा सकता है, जबकि कई लोग नीचे सड़क पर जमा हो गए और पैसे लेने के लिए कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान अरुण वी के रूप में की। प्रारंभिक जांच के अनुसार उस व्यक्ति ने 10 रुपये के मूल्य वर्ग में 2000 के नोट फेंके। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची, तब तक वह व्यक्ति घटनास्थल से भाग चुका था। कर्नाटक के वन अधिकारियों ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन और उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को मैसूरु में अपने खेत में दुर्लभ बार हेडेड गीज रखने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। विडंबना ये है कि दर्शन वन्यजीव संरक्षण के दूत हैं और उन्हें राज्य वन्यजीव बोर्ड में नामांकित भी किया गया था। अधिकारियों ने 4 दुर्लभ पक्षियों को जब्त कर लिया है और उन्हें बेंगलुरु में हदीनारू झील के पास छोड़ दिया है, जिसे प्रवासी पक्षियों के लिए चुंबक माना जाता है। बेंगलुरु, दुबई के एक 65 वर्षीय बिजनेसमैन द्वारा 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना देने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। बिजनेसमैन पीएम अब्दुल लाहिर हसन ने आरोप लगाया कि 4 लोगों ने उन्हें ब्रिगेड रोड पर एक फुटवियर शोरूम में निवेश करने के लिए राजी किया, ये वादा करते हुए कि यह एक लाभदायक उद्यम होगा। पुलिस ने अब हसन की शिकायत के आधार पर संदिग्धों के खिलाफ साइबर अपराध और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। कर्नाटक वन विभाग संघर्ष क्षेत्रों से पकड़े गए तेंदुओं और बाघों के लिए कई पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। विभाग देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की सुविधाओं का अध्ययन कर रहा है और केंद्रों के लिए अंतिम प्रस्ताव जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। योजना जानवरों के लिए देखभाल और दीर्घकालिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से 200 से 250 तेंदुओं को रखने की क्षमता वाले कई तेंदुए अभयारण्यों का निर्माण करने की है। कर्नाटक, जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 30 जनवरी को श्रीनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की। गौड़ा ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में ये बात कही। गौड़ा ने पैदल मार्च का नेतृत्व करने वाले एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी प्रशंसा की। राज्यसभा सदस्य गौड़ा ने निमंत्रण के लिए खड़गे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ये बहुत उपयुक्त है कि जिस दिन राष्ट्रपिता शहीद हुए उस दिन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कर्नाटक, अप्रैल मई में राज्य के बजट दौर और विधानसभा चुनावों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार शाम को नागरिक निकायों के प्रमुखों के साथ एक आंतरिक बैठक की। बैठक में बेंगलुरु शहरी विकास विभाग के नेलमंगला के पेरिफेरल रिंग रोड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर चर्चा हुई, जो नीस रोड के साथ साथ चलेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होने वाला एयरो इंडिया का 14वां संस्करण उच्चतम भागीदारी वाला सबसे बड़ा एयर शो होगा। मुख्यमंत्री वर्चुअली एपेक्स कंपनी में शामिल हुए। बोम्मई ने कहा, यह उच्चतम भागीदारी वाला सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है। इसमें प्रतिनिधियों, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के नेताओं, कंपनियों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी होगी। कर्नाटक, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बेंगलुरु में रेड़ी पटरी वालों और कूड़ा बीनने वालों से भी जबरन पैसा वसूल रही है और कांग्रेस इसके बारे में लोगों को जागरूक करने में लगी है। कुछ दिन पहले मैंने फेरी वालों के एक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बीबीएमपी और पुलिस अधिकारियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रेड़ी पटरी वालों से प्रतिमाह 1 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी प्रतिदिन 200 से 300 रुपए का भुगतान कर रहा है। भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार इस स्तर तक पहुंच गया है। वह केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मिटाओ और बेंगलुरु बचाओ के नारे के साथ शहर में 300 स्थानों पर पार्टी के आंदोलन के हिस्से के रूप में आयोजित ट्रिनिटी सकल में एक विरोध रैली में बोल रहे थे।